बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई लोगों के फोन आते हैं, मसला पूछते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, या हमारे बच्चे, हमारी औलाद जो है वो हमारे हाथ में नहीं रही, वो पटरी से उतर गई है, गलत सोसाइटी में बैठना शुरू कर दिया है। या फिर कई खवातीन को ये शिकायत होती है कि उनके शोहर, उनके मर्द जो हैं वो दूसरी औरतों की तरफ रागिब है। या फिर कई वालदैन को ये गिला होता है कि हमारी औलादें जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रही। तो अल्लाह रब्बुल जलाल के फजल व करम से एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल है, छोटा सा अमल है, अगर वालदैन वो करना शुरू कर दें तो औलाद के लिए वो अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला उनकी औलादों को राह रास्त पर ले आएंगे और अल्लाह ताला उनकी औलादों को उनका फर्मा बरदार बना देंगे। और ये अमल इंतहाई खुलूस दिल के साथ करना है और यकीन के साथ ये अमल करें, अल्लाह ताला अपना फजल और करम फरमाएंगे उस बच्चे के ऊपर। अगर वो गलत सोसाइटी में पड़ गया है तो गलत सोसाइटी से निकल जाएगा, और अगर वो उसका कोई शोहर है, अगर वो गलत सोसाइटी में पड़ गया है, गलत औरतों के चक्रों में पड़ गया है, या गलत सोसाइटी में बैठना उठना शुरू कर दिया है, नशा करना शुरू कर दिया है, या कोई भी गलत कार्यों में मुलव्वस हो गए हैं, तो इंतहाई बेहतरीन और मुजर्रब अमल है कि जब भी वो बच्चा बाहर से घर आए तो एक आयत है 18वें सिपारे की, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। यहां तक 70 मरतबा पढ़ना है और पढ़कर पानी पर दम करना है और दम कर कर उस बच्चे को, उस शख्स को, उस बंदे को पिला देना है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उस शख्स को गलत सोसाइटी से निकाल देंगे, और अगर किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, तो अल्लाह ताला उसको गलत सोसाइटी से निकाल कर माँ बाप का फरमाबरदार बना देंगे। अगर औरत कोई अपने मर्द की वजह से परेशान है तो भी अल्लाह ताला उसके मर्द को हिदायत देंगे और वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान देने लगेगा।